मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि राजस्थान का वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है। तो भाड़ला सोलर पार्क ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर है? राजस्थान की पहली गैस विद्युत परियोजना जो कि किस जिले के अंदर है, आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। जैसलमेर, अलवर, बारा या कोटा? तो राजस्थान की पहली गैस विद्युत परियोजना जो कि बारा के अंदर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, देश का पहला कोयला आधारित बिजलीघर स्थापित किया गया। भारत का पहला कोयला आधारित बिजलीघर जो कि कहाँ पे? बाप, जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर बाप में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग याद कीजिएगा। भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब प्रारंभ किया गया, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए, इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन का जो प्रारंभ है वो 11 जनवरी 2010 में किया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? 2011 की जो जनगणना आंकड़े हैं उनके अनुसार राजस्थान के कौन से जिले की जो जनसंख्या वृद्धि है सबसे कम रही है? तो गंगानगर के, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो डूंगरपुर का है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया था वो थे वीर तेजाजी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? देखिए मेवाड़ उत्सव और मारवाड़ उत्सव दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मारवाड़ उत्सव जो है किस जिले के अंदर मनाया जाता है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। तो मारवाड़ उत्सव सही उत्तर रहेगा, जोधपुर के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सार्स आते हैं? राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य के अंदर साइबेरियन सार्स आते हैं? तो केवलादेव घना पक्षी उद्यान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले के अंदर? एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर बताना, देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के कोटा जिले के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी उद्यान किस जिले के अंदर है? राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी उद्यान जो कि किस जिले के अंदर है, भरतपुर के अंदर है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है? राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य के अंदर उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले में कौन सी नदी निकलती है, सॉरी मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो माही नदी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान की जो है बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, तो खमनौर की पहाड़ियाँ वहाँ से बनास नदी निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, देखिए इन पहाड़ियों से जुड़े हुए नदी के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आपको ये जो टॉपिक अच्छे से कवर करना चाहिए। बेराट की जो पहाड़ी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो बाणगंगा नदी जो है बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो चंबल नदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सागर का कौन सा भाग राजस्थान के सबसे निकट है, सागर का कौन सा भाग है जो कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा निकट में है, तो कच्छ की खाड़ी है जो कि राजस्थान के सबसे नज़दीक केंद्र है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, राजस्थान के कौन से जिले से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर, सही उत्तर आप लोग कॉमेंट में जल्दी से बताइए। तो राजस्थान के अजमेर जिले से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है, राजस्थान की कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है, एग्जाम में प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, आप लोग याद कीजिएगा कि राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है, तो गगर नदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर रेगिस्तान जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान पाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, राजस्थान राज्य के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, झुंझुनू, ब्यावर, बीकानेर या जोधपुर, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो राजस्थान के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत कुड़िया शब्द का अर्थ है, राजस्थान के अंदर अकाल से जुड़ी हुई कहावत है जिसका जिसे कुड़िया बोला जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आधा अकाल, ठीक है, कुड़िया मतलब आधा अकाल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, टिकोमेला अंडुलेता वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेता, जो कि रोहिडा का है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एग्जाम में खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया, हमने इसका जिक्र पहले भी किया था। चलिए दोस्तों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का जो है प्राकृतिक रोग बताया है, प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है, सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने से ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।